पाकुड़ में सदर प्रखंड के मटिया पहाड़ी के ग्रामीण को पिछले 3 माह का राशन नहीं मिलने पर उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पाकुड़ प्रखंड कार्यालय स्थित अनाज गोदाम पहुंचे, जहां प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को शिकायत किया। वहीं लाभुकों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक मटिया पहाड़ी गांव के दर्जनों लाभुओं को 3 माह से चावल नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कार्ड धारकों ने बताया है कि जब भी वो डीलर के घर पर अनाज के लिए जाते हैं तो उन्हें ये बोलकर लौटा दिया जाता है कि सरकार ने अनाज नहीं दिया है। परेशान तो हम लोग हैं, हम लोग कोलाजड़ा पंचायत के मटिया पहाड़ी के हैं और हम लोग कार्ड धारक भी हैं और गरीब भी हैं। हम लोग राशन लेते आ रहे हैं, हम लोग का परेशानी मार्च महीने से हम लोग को 3-4 महीने से राशन कार्ड नहीं मिल रहा, मतलब राशन नहीं मिल रहा हम लोग को। तो दिक्कत ये है कि हम लोग पहले उमा शंकर से ले रहे थे, तो उमा शंकर क्या पता उसको सस्पेंड किया था उसको शायद, तो उसके बाद हम लोग रुपए के यहाँ हम लोग ले रहे थे। तो कुछ दिन के बाद हम लोग गए वहीं उसके पास, तो हम लोग दे नहीं रहा। हम लोग को बोला कि तो लो एमओ साहब से बात कर लीजिए क्या है नहीं है, और हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग राशन के जरिए हम लोग जी रहे हैं खा रहे हैं, हम लोग गरीब भी हैं सर, तो हम लोग क्या करें, हम लोग राशन नहीं मिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग मटिया पहाड़ी पंचायत कोलाजोड़ा से आए हुए हैं, हम लोग का जो है ना राशन 3 महीने से हम लोग को नहीं दिया गया है, तो वही सब के लिए हम लोग को डीलर के वहाँ गए हुए थे। डीलर जी बोले हमको कि जाइए आप इमो साहब से भेंट कर लीजिए। हम लोग इतना तक कदम बढ़ाए हैं कि इमो साहब तक हम लोग आए हैं, इमो से हम लोग को कोई बातचीत नहीं हुई है, वही सब हम लोग को परेशानी और झेलते पड़े, वही सब जो है ना हम लोग आगे जो हम लोग का राशन सही रूप से दिया जाए वही मैं निवेदन करूँगा। कितना महीने से चावल नहीं दिया? हम लोग को 3 महीने से नहीं दिया गया है। अच्छा, इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे, किनको आवेदन देंगे? इनको लेके हम लोग को पहले तो एमओ साहब से बात कर लेंगे। अच्छा, के बाद जो है ना आगे की कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा हर बार निर्धारित रूप से राशन दिया जाता है, मगर राज्य तक आते आते राशन कहां गायब हो जाता है इसका कुछ पता नहीं चलता है। पाकुड़ प्रखंड के लोगों की मांग जायज है, जिनके घर सरकारी राशन की बदौलत चलते हैं, उनसे पूछिए सरकारी राशन का मूल क्या होता है, मगर कोटेदार राशन न आने का बहाना बताकर गबन कर लेते हैं। ऐसे कोटेदारों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पाकुड़ से नंदकिशोर मंडल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।